नागपुर शहर में आज सुबह एक ऐसे चोर का पर्दाफाश किया गया है जो भिखारी के साथ दिन में और रात में लोगों के घर पर पहरा देता था। दरअसल आज सुबह ही उसने बचत गट की एक महिला को अपना निशाना बनाया, लेकिन ताजुब की बात तो ये थी कि सोने के असली जेवरात के बजाय वो नकली ही जेवरात लेकर भाग गया और पुलिस के हत्थे चढ़ गया। फिलहाल ये मामला नंदनवन थाने में दर्ज है। पुलिस इस मामले में आगे की जाँच कर रही है। पिछले दो महीनों से बड़ा ताजबाग परिसर में रहने वाला एक शातिर चोर आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। दरअसल ये भिखारी के साथ ही रहकर उसके साथ खाना खाता था, पीता था और दिन में निकल जाता चोरी करने। जहां भी, जिस घर पर भी दुकान में ताला लगा हुआ दिखता, वहां का ताला तोड़कर ये चोर सामान लेकर रफू चक्कर हो जाता था। आखिरकार इस शातिर चोर को नंदनवन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इस वक्त उसकी किस्मत में सोने के जेवरात नहीं बल्कि पेंटिक्स के नकली जेवरात ही हाथ आए। इस चोर से फिलहाल पुलिस ने और भी खुलासे होने की आशंका जताई है। पुलिस नंदनवन हद्दीमध्ये दिनांक 5 तारखेपासून ते 14 तारखेपर्यंत 2 खरपोडी, 1 मोटरसायकल चोरी आणि 1 मंद चोरीचे गुन्हे दाखल आहे। सदर गुन्ह्याचा तपास DVD SC सिद्धार्थ पाटील, विनोद झिंगरे, नितीन मिश्रा यांची टीम करीत असताना त्यांना एक इसम संशयित रीतीत मिळून आल्याने सदर इसमाचे नाव मंसूर जमसुद्दीन अन्सारी राहणार रामनगरी सिम्बॉसिस कॉलेज ओम मराठा राशन स्कूलजवळ पुरुषन वाठोडा येथे राहणार आहे। तो संशयित मिळाला, त्याच्याकडे तपास केला असता त्याने सदरच्या 2 घरपोडी, 1 मंदिर चोरी आणि 1 मॅस्ट्रो गाडी तसेच त्यासोबत परत 1 मोटरसायकल मिळालेली आहे। ती यशोधरानगर हद्दीतली असली पाहिजे, त्याबद्दल तपास सुरू आहे। सदर इस्माकडून नमूद गुन्ह्यामध्ये 1 मोटरसायकल, 1 मॅस्ट्रो गाडी, मंदिर चोरीतले 4000 रुपये आणि घरपोडीमधले 5000 आणि घरपोडी करण्याचं शस्त्र जप्त करण्यात आलं आहे। एक घरपोडी झाली आहे, ती 5 तारखेला झाली होती पण त्याची रिपोर्ट 14 तारखेला आली। सदर इसम हा दारू आणि जुवा खेळण्याचा शौकीन असल्यामुळे त्या घरपोडीची रक्कम जप्त करता आली नाही। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।